से 20% लोगों को आप, बाहर के लोगों को आप समायोजन करिए, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 80% बिहारियों को आपको कंपलसरी नौकरी करना होगा। जिस तरीके से कल कैबिनेट डिसीजन शिक्षक भर्ती में हुआ, मुझको लगता है तब तो सारे बाहर के लोग आकर के यहाँ शिक्षक हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, आप दोनों कानून को वापस लीजिए। ये कानून से बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगी, उनके साथ ये गलत हो रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। ये बोल दरअसल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के हैं। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कहा है कि शिक्षक नियमावली को लेकर आपने जो कल कैबिनेट की मीटिंग में एक और प्रस्ताव दे दिया है, जहां अब बिहार के बाहर के जो लोग हैं, यानी कि अन्य राज्य के जो लोग हैं, वो भी बिहार शिक्षक नियमावली के तहत वो भी फॉर्म भरेंगे और बिहार में शिक्षक बनेंगे, जहाँ एक तरफ बिहार के युवा खुद रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, तो वहीं दूसरी तरफ आप अन्य राज्य के लोगों को बुलाइए, लेकिन 80% तक बिहार के लोगों के लिए आरक्षण रखिए। आपने ये गलत फैसला लिया है। क्या कुछ पप्पू यादव शिक्षक नियमावली को लेकर बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं तो उनकी तमाम बातों की। पूर्ण विषय है, एक विषय है कल के कैबिनेट डिसीजन। लगातार बिहार के बाहर स्टेट में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बिहारियों को भारत के नागरिक के रूप में कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, मणिपुर हो, अन्य जगहों पर जहां बिहार की श्रम शक्ति के लोगों ने भारत का निर्माण किया, बिहार के ज्ञान विज्ञान अध्यात्म की बदौलत हम भारत को ऊर्जा दिए, भारत के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, और फिर इस देश में हम तिनखैया घोषित हो, हमेशा गाली गलौज जूता चप्पल हम पर चलते, और दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी भारत में, दुनिया में बिहार की है, और बिहार के लोगों को कहीं भी बाहर तवज्जो नौकरी में अन्य जगहों पर नहीं दी जाती। और इस मुद्दों को लेकर के मेरा डिमांड शुरू से रहा है कि बाहरी लोगों को आप 10-20% से ज़्यादा, हमारे ही भारत के, मेरे ही परिवार के लोग हैं, लेकिन हम जब तक उस लायक नहीं होंगे, हम दूसरे भाई की मदद कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए हम 10-20% लोगों को आप, बाहर के लोगों को आप समायोजन करिए, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 80% बिहारियों को आपको कंपलसरी नौकरी करना होगा। जिस तरीके से कल कैबिनेट डिसीजन शिक्षक भर्ती में हुआ, मुझको लगता है तब तो सारे बाहर के लोग आकर के यहाँ शिक्षक हो जाए, और ये मैं इस नीति के पक्ष में मैं नहीं हूँ, सरकार से पुनर्विचार की मांग करता हूँ। और ऐसे तरह के अधिकार के लिए हम स्वतंत्र हैं कि बिहार के 14.5 करोड़ जनता के प्रति हम प्रतिबद्ध, ना कि अपनी सरकार के प्रति।